एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को शामिल किए जाने की बात की जा रही है। एनसीईआरटी की 7 सदस्यीय हाई लेवल पैनल ने सामाजिक विज्ञान की किताबों में रामायण और महाभारत के पाठ जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। वहीं इस बात को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एनसीईआरटी में रामायण महाभारत को शामिल करने पर एतराज नहीं है, उसमें कुरान और बाइबल को भी शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों की चॉइस पर किताबों को पढ़ाना चाहिए, किसी एक को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, सभी रीजनल की किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। मजहब इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हमें तमाम रिलीजन को, तमाम रिलीजियस पर्सनालिटीज को, तमाम रिलीजियस बुक्स को रिस्पेक्ट कर देनी है, उसका एहतराम करना है। लिहाजा इस नुक्ते नज़र से जो कुछ भी एनसीईआरटी में सिलेबस में रामायण और महाभारत को इंक्लूड करने की बात कही गई है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे मजाहिब की जो मजहबी किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है, या और जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये ऑप्शन होना चाहिए कि बच्चे किस किताब को या तमाम किताबों को पढ़ना चाहें, या उनके अपने चॉइस पर छोड़ना चाहिए। और उसी, क्योंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी को, तमाम को बराबर से तमाम मजहबी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए।